In today's video, we are going to be discussing the second step of cellular respiration, basically the aerobic respiration, that is pyruvate oxidation. पाइरूवेट की ऑक्सीडेशन होना क्यों जरूरी है, किस लिए होती है, कैसे होती है, ये सब हम डिस्कस करेंगे उसके इंट्रोडक्शन में। तो पाइरूवेट इज अ चार्ज मॉलिक्यूल, चार्ज मॉलिक्यूल होता है, तो जो भी चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही मेम्ब्रेन्स क्रॉस कर सकते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है कि उनको एनर्जी यूटिलाइज करनी पड़ती है मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करने के लिए। तो इसी तरीके से पाइरूवेट भी एनर्जी यूटिलाइज करेगा और उसके साथ साथ प्रोटीन्स भी यूज करता है। जो प्रोटीन्स वो यूज करता है इस पाइरूवेट माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए, दे आर कॉल्ड एज पाइरूवेट ट्रांसलोकेज। ऑन एंटरिंग द माइटोकॉन्ड्रिया बिफोर क्रैब साइकिल दे अंडरगो एन इंटरमीडिएट फेज कॉल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरूवेट और लिंक रिएक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया को जब वो एंटर कर जाते हैं पाइरूवेट मॉलिक्यूल्स, तो पहले क्रैब साइकिल नहीं स्टार्ट होता डायरेक्टली, बल्कि एक इंटरमीडिएट फेज में वो एंटर करते हैं जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरूवेट या लिंक रिएक्शन। ऑक्सीडेशन के स्टेप्स डिस्कस करते हैं। तो पाइरूवेट ऑक्सीडेशन का स्टेप नंबर 1 इज डीकार्बोक्सिलेशन, स्टेप 2 इज ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरूवेट एंड स्टेप 3 इज एडिशन ऑफ कोएंजाइम ए और को ए। पाइरूवेट ऑक्सीडेशन हम एक टेबल के थ्रू इसके स्टेप्स देख लेते हैं। पहला स्टेप इज जिसमें आप देख सकते हैं ये 1 लिखा हुआ है, 1 के साथ एक ब्लू एरिया हाइलाइटेड है, ये पाइरूवेट का स्ट्रक्चर है। पाइरूवेट के स्ट्रक्चर में इन्होंने CO2 को हाईलाइट किया हुआ है। CO2 ग्रुप रिमूव हो जाता है स्टेप 1 के अंदर, दैट इज डीकार्बोक्सिलेशन। स्टेप 1 डन। स्टेप 2 में हमारे पास रिडक्शन होती है किसकी, NAD पॉजिटिव की। NAD पॉजिटिव रिड्यूस हो रहा है तो पाइरूवेट इटसेल्फ क्या हो रहा होता है, हमारे पास ऑक्सीडाइज हो रहा होता है। ऑक्सीडाइज इन टर्म्स हो रहा होता है कि अपना हाइड्रोजन जो है दे देता है NAD पॉजिटिव को, इस तरीके से ऑक्सीडाइज हो जाता है। स्टेप 3 के अंदर जो कोएंजाइम ए है वो इस एसिटाइल ग्रुप के साथ आके अटैच हो जाएगा एंड इट विल फॉर्म एसिटाइल को ए। प्रैक्टिस क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमारे पास है, विच प्रोटीन इज इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ पाइरूवेट मॉलिक्यूल अक्रॉस माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अक्रॉस कौन सी प्रोटीन इन्वॉल्व होती है पाइरूवेट मॉलिक्यूल को मूव करवाने के। ए ऑप्शन इज पाइरूवेट काइनेज, बी ऑप्शन इज पाइरूवेट म्यूटेज, सी ऑप्शन इज पाइरूवेट ट्रांसलोकेज एंड डी ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी। सोल्यूशन अगर डिस्कस करें प्रैक्टिस क्वेश्चन का, तो करेक्ट ऑप्शन सी बनती है, दैट इज पाइरूवेट ट्रांसलोकेज। पाइरूवेट ट्रांसलोकेज जो है रिस्पॉन्सिबल है पाइरूवेट मॉलिक्यूल को माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव कराने में। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।